हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स एंड चैप्टर फर्स्ट वन डिमेंशन, मोशन इन वन डिमेंशन। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन। क्या मतलब होता है? मोशन। मैटिक्स का मतलब होता है मैथ। जब हम कोई भी हम क्या करते हैं, कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करते हैं, जब हम कोई स्पीड कवर कर स्पीड के साथ जब हम कोई भी मोशन कवर करते हैं तो क्या हमारी मैथमेटिक्स यूज़ होते हैं। मीन्स हमने कितनी दूर गए, दूरी को नापने के लिए हम किसके यूज़ करते हैं? मैथ्स को यूज़ करते हैं। इसमें हम बात करेंगे मोशन इन वन डिमेंशन। मोशन इन वन डिमेंशन का मीन्स होता है लीनियर रेक्ट्री, ठीक है। हम क्या बोलते हैं तो लीनियर रेक्टिलिनर्स। लीनियर्स मीन्स एक प्लेन में, वन प्लेन की बात करेंगे। और इसमें नेक्स्ट होगा हमारा मोशन इन टू डिमेंशन, मीन्स हम दो डिमेंशन की बात करेंगे, दो प्लेन होंगे एक्स और वाई। नेक्स्ट हमारा मोशन इन थ्री डी होगा, जो मोशन इन थ्री डी मीन्स एक्स वाई जेड, थ्री प्लेन्स होंगे, ठीक। लेट्स स्टार्ट टॉपिक डिस्टेंस। मोशन के यहाँ क्या है, जो मोशन है उसमें क्या है, वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। आज हम इन वेरिएबल की ही बात करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? डिस्टेंस, दूरी। डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। स्पीड, कितनी गति। वेलोसिटी, कितनी स्पीड के साथ हम जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। बट डिस्प्लेसमेंट की क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। डिस्टेंस की ओनली, डिस्टेंस क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। मीन डिस्टेंस की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट की क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस क्या है हमारा? डिस्टेंस होता है कि जब हम स्कूल से, हमारा जहाँ पर क्या है, घर है, सपोज हमारा हाउस, जहाँ पर हमारा स्कूल है, मेरा स्कूल, जहाँ पर मेरा घर है, ठीक। हमने देखना, हमें पता करना है डिस्टेंस किसे कहते हैं। डिस्टेंस किसे कहते हैं? जब हम स्कूल से, जब हम चाहे घर से स्कूल जाएं, चाहे घर स्कूल से घर आए, जब हम स्कूल से घर आते हैं, जब हम घर से स्कूल जाते हैं, जब हम घर से स्कूल जाते हैं तो हम कौन कौन से रास्ते में जाते हैं? चाहे हम जैसे पहुंचते, जहाँ पर गए तो हमारा स्कूल आ गया। ये हमारा क्या है? स्कूल। जितनी हमने पहले हम जहाँ, हमारा घर जहाँ पर है, हम जहाँ से जहाँ गए, मीन्स हमने क्या की, ये सब क्या की, दूरी। इसे हम क्या कहते हैं? दूरी। मीन्स हमने क्या किया? डिस्टेंस कवर किया, कि कहाँ से कहाँ लेकर, हाउस से लेकर स्कूल तक। इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। जो पाथ पर डिपेंड, चाहे हम जो पाथ पर नहीं डिपेंड करता, बट डिस्टेंस पर डिपेंड करता कि हमने कितना किया। सपोज हमने क्या किया, जहाँ पर टू, तो हमने कितना कवर किया डिस्टेंस? 2 + 2 + 2 + 2 मीन्स 4 + 4 = 8, 8 किलोमीटर गए हम, ठीक। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? हाउस से स्कूल तक पहुंच रहे हमें, ये डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा? हाउस से स्कूल तक। तो हमने हाउस से स्कूल तक पहुंचना हमें नहीं पता, आप
पैदल जाएं चाहे हम गाड़ी से जाएं, हमारा मेन मकसद क्या है, स्कूल से कहाँ तक पहुँचना है, घर से स्कूल तक पहुँचना है, हमारा मेन मकसद क्या है, स्कूल घर से हमने कहाँ पहुँचना है, स्कूल में, चाहे आप पैदल से जाओ चाहे आप गाड़ी से जाओ, तो हमारा मेन मकसद क्या है, अभी हाउस से स्कूल तक पहुँच जाएं, मीन्स हम क्या करते हैं, इनिशियल टू फाइनल पर डिपेंड करता है हमारा पाथ, किस पर डिपेंड करता है, मेन इनिशियल और फाइनल पर, कि हम पहले जहाँ से वहाँ से रिप्लेस होकर हम कोई दूसरी जगह चले जाएं, उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा क्या था, जो डिस्टेंस था वो क्या था, पाथ पर डिपेंड करता था, मीन्स हमें, ठीक, हमारा यहाँ पर कोई स्कूल है तो हम क्या जहाँ पर गए 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 जहाँ पर गए, तो इसने क्या कितनी दूरी कवर की, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस हमारा ए से बी पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, हम कौन से पाथ पर जा रहे हैं, एक ये हमारा डिस्टेंस हो गया। दूसरा क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कि हमने ए से बी पहुंचना है चाहे हम कैसे मर्जी पहुंचें, मेन मकसद क्या है हमारा, इनिशियल टू फाइनल, ये हमारा स्कूल से, हमने क्या है, स्कूल से घर से स्कूल गए, हमने ये नहीं मकसद है कि हमने जहाँ प्लेन रास्ते से ए सीधी गली से जाना है, हमारा हो सकता है हमारा कोई और रास्ता हो स्कूल जाने तक, तो हम वहाँ भी जा सकते हैं, बट मेन क्या है, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या चाहती है, कि हम स्कूल से घर से स्कूल पहुँचे, ठीक, जहाँ से मर्जी पहुँचे, चाहे आप गाड़ी से जाए चाहे दोस्त के साथ बैठ कर जाएं किसी की साइकिल के साथ, हमारा मेन मकसद है कि घर से आप स्कूल जाए, रिप्लेसमेंट हो जाए जहाँ पहले से, उसे आप हट कर कहीं और जगह चले जाएं, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है आपने कितनी दूरी तय की, कौन कौन से रास्ते जाकर कितनी दूरी तय की, वो होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक, मीन्स हम उन्हें कट से कट टाइम पर अपनी जगह पर पहुंच जाएं। डिस्टेंस क्या होती है, ग्रेटर देन होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, जहाँ होती है इक्वल, ग्रेटर देन जहाँ इक्वल, उसे क्या हमारा क्या रिलेशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस हमारा ग्रेटर देन होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, जहाँ क्या होगा इक्वल। नेक्स्ट हमें बात करनी है स्पीड की, स्पीड की है, स्पीड भी क्या होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड हमारी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस पॉन टाइम, और वेलोसिटी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट पॉन टाइम। इसमें एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड मतलब और एवरेज वेलोसिटी होती है, इंस्टेनियसली स्पीड होती है और इंस्टेनियसली वेलोसिटी होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जैसे हम आपसे पूछे हमारी आपको वीडियो कैसी लगी, आप करें आप बताएं, आपने बता दिया कि क्या अच्छी है वीडियो आपकी, ठीक, अगर हम ये क्या हो गया डेल्टा टी, मीन्स आपने सारी वीडियो की बात की कि सभी वीडियो अच्छी है, ठीक। इंस्टेनियसली स्पीड क्या होती है, जैसे आपने कहा भी जहाँ पर आपने सपोज ये बोल दिया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का पार्ट बहुत अच्छा था, बट जो स्पीड एंड वेलोसिटी का पार्ट वो अच्छा नहीं था, क्या है इंस्टेनियसली स्पीड क्या है, जो छोटे से पार्ट्स की बात करें हम, विच वीडियो की बात करें, कुछ अच्छी लगी कुछ अच्छी नहीं लगी, ठीक। एवरेज स्पीड क्या होती है, जो हमें सभी अच्छी लगी, ठीक, मीन सभी वीडियो की बात करें हम, सभी अच्छी लगी, ऐसी हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक, जो हमारे पूरे फुल वीडियो की बात करें। इंस्टेनियसली वेलोसिटी क्या होती है, जो हमारे छोटे पार्ट्स की बात करें, छोटे पार्ट्स को हम डीटी से, ठीक है, और जो ग्रेटर देन होती है मीन सभी की बात करें उसे डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मीन्स टोटल डिस्टेंस, जैसे हमने बोला था 2 + 2 2 + 2 2 + 2, टोटल कितने टाइम में, सपोज 10, ठीक। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट मीन इनिशियल टू फाइनल, हमारा
इनिशियल, मतलब सपोज हमें वहाँ 5 यहाँ पर 4, तो जहाँ इनिशियल और फाइनल का जो हम ये हमारी इनिशियल ये फाइनल, तो जहाँ पर जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना होगा, इसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। पहले हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, फिर हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी में। फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक्चुअल पाथ जो हमने कवर किया उसे इनिशियल तो लेके फाइनल तक, उसे हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में, ठीक। डिस्टेंस में स्केलर क्वांटिटी होती है वेक्टर की, डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे हमने बात की थी जहाँ गए हम जहाँ गए जहाँ गए जहाँ गए जहाँ, मीन्स कभी भी इक्वल जीरो नहीं हो सकता। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा जीरो, मीन्स जहाँ पर हमने 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर हम वापस आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो गया जीरो। डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होएगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस होएगी किससे, डिस्टेंस से। हम इसे अपोजिट कर दें तो हमारी क्या बन जाएगी, डिस्टेंस लेस देन या इक्वल टू डिस्टेंस। अब हम बात कर ले स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस जितना हमने कवर किया पर यूनिट टाइम में बाय टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है, जितना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसे क्या हम बोलते हैं वेलोसिटी। स्पीड की क्या है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी की क्या है वेक्टर क्वांटिटीज। एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, ठीक, नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या होती है इक्वल टू जीरो। स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक, हमारी क्या होगी स्पीड और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव दोनों तीनों ही हो सकती हैं। स्पीड की ऐसे यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, इसकी भी क्या होती है मीटर पर सेकेंड। मेन जो जो हमारे ओनली डेफिनेशन चेंज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, स्पीड और वेलोसिटी, बाकी सभी पॉइंट क्या है सेम है, सभी पॉइंट क्या है इसके और इसके सेम है नीचे वाले, ठीक। एग्जांपल ली हुई हमने, एक कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन एंड कवर्स ए डिस्टेंस 108 किलोमीटर इन 3 आवर्स, कहते ईस्ट डायरेक्शन में जाती है हमारी कोई कार और वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 108 किलोमीटर्स कितने टाइम में, 3 घंटे में। तो हमें उसकी फाइंड करनी है स्पीड एंड वेलोसिटी। हमारा फार्मूला क्या था स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम 108 बाय 3, तो हमारा क्या आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर्स। वेलोसिटी क्या थी हमारी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो हमारी कितनी आ जाएगी 36, मीन्स क्या है डायरेक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट है तो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है इक्वल, ठीक, दोनों की स्पीड और वेलोसिटी क्या आई है इक्वल, मीन्स सेम स्पीड से गए थे। नेक्स्ट बात होती है हमारी जो मोशन है वो हमारी 2 टाइप्स होती है, एक यूनिफॉर्म मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब हमारी स्पीड सेम हो, सेम टाइम में सेम स्पीड, जैसे हमने इनिशियल 0 से लेके 60 तक डिस्टेंस कवर किया, जहाँ से हम 10, 20, 30 सपोज यहाँ पर 40 करते 50 तक गए, जहाँ पर भी हमने 2 मिनट से जहाँ भी 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 2 मिनट से, इनमें डिफरेंस कितने का है 10 का, इसमें डिफरेंस कितने का है 10 का, इसमें डिफरेंस कितने का है 10 का, इसमें डिफरेंस कितने का है 10 का, और टाइम सभी जगह क्या है सेम, चाहे हम 0 से 10 किलोमीटर जाएं, 10 से चाहे हम 20 किलोमीटर जाएं, चाहे 30 किलोमीटर जाएं,
हम क्या है, हमारा जो स्पीड है वो क्या है सेम रहती है, मीन्स सेम टाइम रहता है हमारा। तो हमें क्या है, जब सेम टाइम सेम स्पीड हो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, उसे हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरी ओवर टाइम, मतलब कि टाइम टू टाइम क्या स्पीड हमारी चेंज होती रहे। जैसे हमने एग्जांपल भी ली हुई है, जैसे यूनिफॉर्म में क्या है, 0 से 0 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में हम 10 मीटर पर सेकंड, आगे 2 मिनट में हम 20, 3 मिनट में हम 30, 4 मिनट में हम 40। तो हमारा क्या है जो डिफरेंस है 3 और 10, मींस क्या है हमारा 2 पॉइंट के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है 10। और हमारा जो इनिशियल टू फाइनल है, इनिशियल हमारा क्या है 0 और फाइनल क्या है हमारा 40। तो एक्सीलरेशन हमारी कितनी है 40/4 मीन्स 10, मीन्स सेम है। बट यहाँ पर क्या था, सेम स्पीड सेम इंटरवल, मीन्स सेम इंटरवल सेम टाइम से जा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स हमारा टाइम तो सेम रहे बट हमारी स्पीड चेंज होती रहे, इंटरवल हमारे चेंज होते रहे, उसे हम क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन कौन सी होती है जिसमें टाइम इंटरवल और स्पीड सेम रही, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड सेम हो बट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते, चाहे जैसे हमने 20, 30, 40, बट टाइम हमारा चेंज होता रहे। एक्सीलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारा क्या फार्मूला होता है एक्सीलरेशन का, v - u/t। v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी और u होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। a हमारी होती है एक्सीलरेशन, v हमारी फाइनल वेलोसिटी, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी, t हमारा टाइम टेकन। तो एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड हमारी डिस्टेंस की होगी, और बाय टाइम मीन्स सेकंड, तो हमारी क्या बन जाएगी मीटर पर सेकंड। जैसे हमने एग्जांपल आपको पहले ही बता दी, इसमें क्या था कि हमारी इक्वल चेंज वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, उसे हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और जो अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस इक्वल टाइम में इंटरवल है जो उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहे, उसे क्या हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।